और भी डिफरेंट वेक्टर्स. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हाउ टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर ऑपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर जो रिमेनिंग है वो हम थोड़ा स्पीडली डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट हमारा वेक्टर है कॉनकरेंट वेक्टर. क्या है? कॉनकरेंट वेक्टर्स. तो कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर देन टू वेक्टर आर सेट टू बी कॉनकरेंट इफ दे स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट. टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कॉनकरेंट इफ दे आर स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट. पॉइंट ऑफ ऑरिजन जो है वो सेम है. जैसे ये देखिए, ऑरिजन ये ले लिया, वो सो दीज आर कॉनकरेंट वेक्टर्स. जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया. क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर. क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर. इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद आता है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर. पोलर एंड एक्सियल वेक्टर. तो देखिए, पोलर वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच प्रोड्यूसिंग द ट्रांसलेशन इफेक्ट. ऐसे वेक्टर्स जो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ट्रांसलेशन मतलब डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जैसे ये एक है, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है. तो ऐसे वेक्टर्स जो ट्रांसलेशन इफेक्ट क्रिएट करते हैं, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स. वेक्टर्स विच प्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी पोलर वेक्टर है, फोर्स क्या है? पोलर वेक्टर है, मोमेंटम पोलर वेक्टर है. दीज आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. दूसरा है एक्सियल वेक्टर. तो वेक्टर्स विच आर प्रोड्यूसिंग रोटेशनल इफेक्ट. Are called जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स. क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स. तो एक्सियल वेक्टर्स में कौन से आएंगे? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क. All these are axial vectors. इनको हम क्या बोलते हैं? Axial vectors. जो rotational effect create करते हैं. Is it clear? अब यहां एक important term और आ रहा है, position vector and displacement vector. देखिए, ये सबसे important vectors हैं इस chapter के अंदर, position vector और displacement vector. पोजीशन वेक्टर, देखिए जैसा कि नाम है, वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट. जो किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर.
देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बतानी होती है, जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन हम क्या बताते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स। मैथ्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करना है, किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, तो हम क्या बताते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स से उसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स। जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्जांपल ग्राफ है, नॉर्मल आपका ग्राफ पेपर एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर किसी पॉइंट पी की लोकेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर देंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई। ये आपका ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0। अब इस पॉइंट पी को पॉइंट ओ से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, इस पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए किसी भी वेक्टर को या सॉरी किसी भी पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, देखिए एक्स और वाई क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उस पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और उस कोऑर्डिनेट्स को हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट जो आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जे कैप। तो आपका ओपी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स उस पॉइंट का एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, वाई उसका वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, और आई कैप और जे कैप उसकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर के फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ये किस तरीके का वेक्टर हो गया, ये आपका टू डायमेंशनल वेक्टर। कैसा वेक्टर हो गया, टू डायमेंशनल वेक्टर, टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया, टू डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। और यदि आपका ये जो पॉइंट है वो स्पेस में होता, किसमें होता, स्पेस में, यानी ये जे कैप, और इसके अबाउट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप, ठीक है। ये ओरिजिन 0, 0, 0। तो अब ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, यानी इस पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे मेरे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, 2, तो मेरा ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 सॉरी प्लस 2k कैप। टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरा ओपी वेक्टर हो गया। तो दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। आया समझ में बेटा। और ये जो वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर है, ये आपका कैसा वेक्टर हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल वेक्टर, थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर।
कैसा हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेक्टर। आया समझ में? आया आप सब लोगों को समझ में क्या होता है पोजीशन वेक्टर, क्या होता है समझ में आया? अब देखिए इसी से आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्स, ये वाई, ये जेड, जेड और ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो पॉइंट पी पर है और कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया पॉइंट क्यू पर, कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। पहले पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और जेड टू। तो ये देखिए ये ओपी जो है वो आपका हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और OQ क्या हो जाएगा आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर। OQ क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर। देखिए OQ क्या है आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो OQ क्या है, OQ वेक्टर को, OQ पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। ठीक है, तो PQ क्या हो जाएगा, PQ इज OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो OQ माइनस OP करेंगे तो PQ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आई कैप वाले x से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा, y से y और z से z। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये आपका क्या आ गया, पोजीशन क्या आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट पर। आया समझ में बेटा, ये पॉइंट आया समझ में? जैसे देखिए मैं न्यूमेरिकली इस चीज को समझाता हूं, जैसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिए आपने टू थ्री एंड फोर और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट लिए थ्री फोर एंड सिक्स, तो आपका ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया थ्री आई सॉरी टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप और ओक्यू वेक्टर क्या हो गया, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो पीक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पीक्यू हो जाएगा थ्री माइनस टू आई कैप
4 माइनस 3 यानी 1 यानी j कैप, 6 माइनस 4 2 a कैप, तो पोजीशन वेक्टर हो गया i, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, x में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो गया, y में से y कोऑर्डिनेट, z में से z कोऑर्डिनेट, और i कैप j कैप और k कैप x एक्सिस डायरेक्शन, y एक्सिस डायरेक्शन और z एक्सिस डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इज इट क्लियर, कंफर्म आया समझ में, डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब इसी के बेसिस पे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, यदि हमें एक टू डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है या फिर एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जैसे आपका टू डायमेंशनल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, टू डायमेंशनल वेक्टर, जैसे वेक्टर ए लिखा मैंने, अब उसका जो टू डायमेंशनल वेक्टर होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स एक्सिस का एक कंपोनेंट होगा और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट होगा, तो उसको कैसे लिखा, जैसे मैंने वेक्टर ए को लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए एक्स क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एंड ए वाई क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरीके से, और मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यदि आपने एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड, और यदि आपका थ्री डायमेंशनल वेक्टर है जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या फिर वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया मॉडुलस, या क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जैसा मैंने पहले बताया था कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उसके यूनिट वेक्टर से हम देते हैं, किससे देते हैं, यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, ए वेक्टर, ए कैप इज ए वेक्टर ए अपॉन इट्स मॉडुलस, ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर, किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके यूनिट वेक्टर से देते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो ये है वेक्टर और इसका मॉडुलस है ये, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपका डायरेक्शन आ जाएगा ए कैप, ए कैप क्या हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आया समझ में बेटा, और थ्री डायमेंशनल वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो ये हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर,
अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, ये पूरा एक वेक्टर बनेगा, ये पूरा वेक्टर आएगा। और यदि इस वेक्टर का आप यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसी लॉजिक से, मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड निकालने वाले लॉजिक से, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। देखो अब मैं ये जो मैंने जनरल केस बताया इसी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं, इसे थ्रू एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। देखिए जैसे मैं एक टू डायमेंशनल वेक्टर लिया, वेक्टर ए लिया मैंने 2i गैप प्लस 3j गैप, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9, क्या हो गया अंडर रूट 13 यूनिट, ये मॉडुलस हो गया। और इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, a गैप इज वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और मॉडुलस है रूट 13, तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन, यानी ये एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया 2 बाय रूट 13 i कैप प्लस 3 बाय रूट 13 j कैप, ये a कैप की वैल्यू हो। यदि मैं इसको एक नया वेक्टर ले लूं, इसको वेक्टर b ले लूं फॉर एग्जांपल, और इसका मॉडुलस निकालूं मैं, तो आप देखिए इसका मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 2 बाय रूट 13 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकाला मैंने 2 बाय रूट 13 का स्क्वायर प्लस 3 बाय रूट 13 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 4 बाय 13 प्लस 9 बाय 13, ये हो गया 13 बाय 13, यानी हो गया 1, तो मॉडुलस क्या आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब जब कोई भी एक वेक्टर दे रखा है और यदि उस वेक्टर को यदि मैं किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो हमें चेक करना है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। जैसे मैं कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अब इस वेक्टर को मैंने एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे 5k, तो 5k क्या हो जाएगा 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 25k कैप, उसके जो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट और Z एक्सिस का जो कंपोनेंट था, कोफिशिएंट नहीं, X एक्सिस कंपोनेंट, Y एक्सिस कंपोनेंट और Z एक्सिस कंपोनेंट, वो तीनों कंपोनेंट 5 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3A, ये हो जाएगा माइनस 6i कैप माइनस 9j कैप माइनस 15k कैप, तो दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों कंपोनेंट 5 टाइम्स बढ़ गए, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों कंपोनेंट माइनस 3 टाइम्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। जैसे मैंने लिखा कि ये वेक्टर p इज इक्वल टू 2a माइनस 3b, वेयर वेक्टर a इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इज i कैप माइनस 2j कैप, और मेरे को मैंने बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, तो अब वेक्टर पी जो है वो इस रिजल्ट के हिसाब से बन रहा है आपका, तो वेक्टर पी क्या हुआ 2 ए, वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3, वेक्टर बी क्या है आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये क्या हो गया 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 आई प्लस 6 जे कैप, तो ओवरऑल वेक्टर बी क्या हो गया आपका 4 माइनस 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप,
आई और आई सब्ट्रैक्ट हो गए, फोर और माइनस थ्री क्या बच गया, आई कैप बच गया, सिक्स और सिक्स एड हो गए, ट्वेल्व जे कैप। तो अब रिजल्टेंट फैक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप, क्या हो गया, आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप। तो अब इसका, अब ये मेरा एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, वन का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर होता है वन, ट्वेल्व का स्क्वायर 144, ये हो गया रूट 145, क्या हो गया रूट 145। और इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, पी कैप वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो वेक्टर है आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप, मॉडुलस है रूट 145। इज इट क्लियर। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जब भी किसी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स जो है उतने टाइम क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी वैरायटी में मैं डिस्कस करता हूं। देखिए वेक्टर ए है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है आई कैप प्लस थ्री के कैप, और वेक्टर सी है जे कैप माइनस टू के कैप। और आपको बोला कि एक वेक्टर है एम दैट इज टू ए माइनस बी प्लस सी। तो वेक्टर एम का मॉडुलस और डायरेक्शन आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वेक्टर एम जो होगा वो होगा 2a माइनस बी प्लस सी। तो 2a की जगह i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस b, b की जगह i कैप प्लस 3k कैप प्लस c, c की जगह j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 3k कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। अब देखिए आई कंपोनेंट टू आई और माइनस का आई, ये बच गया आई कैप, फोर जे और प्लस का जे प्लस फाइव जे, और देखिए टू के और ये टू के ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा माइनस थ्री के, ये वेक्टर एम हो गया। तो अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, ये आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन, ये क्या हो गया रूट 35 यूनिट्स। कितना हो गया रूट 35 यूनिट। Is it clear? ठीक है, और डायरेक्शन निकालनी है तो हो जाएगा आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप अपॉन रूट 35, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन, आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप डिवाइड बाय रूट 35, ये डायरेक्शन हो जाएगी। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, डिटरमिनेशन ऑफ मॉडुलस एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर वेक्टर ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर रिजोल्यूशन। ये चार ऑपरेशंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। फिर उसके बाद मोशन पैरामीटर्स इन अ 2D, फिर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और फिर आएगा सर्कुलर मोशन। ये सारे पार्ट्स आपके इस चैप्टर के अंदर रहेंगे। ठीक है,
Any doubt? तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय।